Hello students, welcome to new video series on email marketing. Email marketing के ऊपर ये मेरा दूसरा video series है. पहला मैंने active campaign में आपका email marketing campaign कैसे run करना है वो मैंने video series सिखाया, जिसमें almost 12-13 videos हैं. आप प्लीज उसको पूरा देख लीजिए. और अब मैं MailChimp में आपका email marketing campaign कैसे run करते हैं वो इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में. तो ये मेरा सेकेंड सीरीज है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, और ये दोनों मैं आपको सिखा देता हूं. उसके बाद मैं किसी भी यहां पे किसी भी ईमेल को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप कौन सा टूल यूज करें. इट्स ऑल डिपेंड ऑन अप टू यू. बगैर अगर आप ये दोनों ईमेल सारे जो सीक्वेंस होते हैं ईमेल मार्केटिंग के, जो एक प्रोटोकॉल, एक जो प्रोसीजर होता है, जो SOP होता है, वो सेम इसी तरह से होता है. आप एक्टिव कैंपेन सीख लीजिए या मेलचिम सीख लीजिए या दोनों एक बार देख लीजिए. ये सीखने के बाद अगर आपको ये दोनों समझ लीजिए दोनों पसंद नहीं आता है, आप कोई थर्ड यूज करना चाहते हैं, तो वो आप आराम से YouTube पे सीख सकते हैं. आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप इसे सीख लिए रहेंगे. अभी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फर्क क्या है, फर्क एक्टिव कैंपेन में और इसमें. तो एक्टिव कैंपेन में कैसा है कि वो 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल देता है, और उस 14 डेज में जो उसकी पेड सर्विसेज है, प्रो सर्विसेज है, वो आपको यूज करने को मिलती है 14 डेज तक. उसके बाद आपको कंपलसरी उसकी पे सर्विसेज लेनी पड़ेगी. और अगर हम MailChimp पे चलते हैं तो MailChimp आपको लाइफ टाइम कुछ सर्विसेज फ्री दे रहा है. कुछ सर्विसेज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे आपको 2000 सब्सक्राइबर आप इसमें ले सकते हैं फ्री में. आप महीने का 10,000 ईमेल भेज सकते हैं. आप सब्सक्राइबर सिंगल ऑटोमेशन मेल भेज सकते हैं, वेलकम मेल भेज सकते हैं. आप इसमें टेम्पलेट्स बना सकते हैं, लिमिटेड टेम्पलेट्स है. तो इस तरह की कुछ सर्विसेज आपको फ्री दे रहा है. लेकिन अगर आप एडवांस में जाना चाहते हो, जैसे आप 50,000 ईमेल्स भेजना, 50,000 सब्सक्राइबर पाना चाहते हो, या आप सीक्वेंस ईमेल भेजना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसके लिए आपको पेड में जाना होगा. लेकिन 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 अगर आप एक सिंगल वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, और सिर्फ आप इतना चाहते हैं कि कोई भी अगर सब्सक्राइब करे तो उसका डेटा आपके पास आ जाए, आपके ईमेल पे आ जाए, और उसके साथ साथ उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, और इन फ्यूचर आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, आप कुछ लिखते हैं, तो उनको आप ऑटोमेटेड मेल भेज सके, तो ये सारी सुविधा आपको फ्री में है MailChimp में. ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको. आप विदाउट एनी पैसा, सिंगल पैसा खर्च किए MailChimp से आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ मैंने पिछले वीडियोस मेरे वीडियो सीरीज में एक्टिव कैंपेन में भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से, पहला मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि आपके हिसाब से व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग. सबसे पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि आपके माइंड में क्या है ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या. अगर आप सोच रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग मतलब कि कहीं से लाख दो लाख ईमेल्स बाय करना और बल्क में ईमेल भेजना लोगों को, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बल्क में ईमेल भेजना, तो आप पूरी तरह से आप रॉन्ग हो, आप गलत हो. बिकॉज ईमेल मार्केटिंग मतलब बल्क में ईमेल भेजना नहीं होता, और आपका मेल जाएगा भी नहीं. अगर आप एक ही मेल बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं किसी भी भले पेड सॉफ्टवेयर से, अगर उस बंदे ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका मेल उसके स्पैम में चला जाएगा, उसको नहीं जाएगा. और आपको पता है स्पैम 0.5% ही चांसेस है कि कोई स्पैम ओपन करता हो. आप खुद ही सोच लीजिए कि आपने स्पैम कब चेक किया था. स्पैम फोल्डर कोई चेक नहीं करता. तो बल्क ईमेल भेजना इज लाइक वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. आपका मेल कहीं किसी को जाने वाला नहीं है. तो ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या. ईमेल मार्केटिंग मतलब एक सिंपल वर्ड में है कि आपकी जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपर ऑटोमेटेड मोड पे रखने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है.
उसके साथ में प्रमोशनल मेल भेजने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, उसके साथ में नए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ईमेल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल आपने जोमैटो पे साइन अप किया, आपको मेल आ गया, जोमैटो पे आपने ऑर्डर किया, आपको मेल आ गया, दो चार दिन बाद जोमैटो ने आपको एक ऑटोमेटेड मेल भेज दिया रिव्यू के लिए, 10 दिन के बाद जोमैटो ने आपको मेल भेजा उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक अच्छा सा फूड बिरयानी का उन्होंने आपको फोटो भेज दिया। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटेड मेल है। इसका सही मीनिंग ये होता है कि आपने आपका ईमेल आईडी भी चेंज किया, आपने यूजर आईडी चेंज किया, आपको मेल आ गया। तो इस तरह के मेल को ईमेल मार्केटिंग, एग्जैक्टली ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमेल मार्केटिंग जो होते हैं, मोस्टली टाइप्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पे तीन टाइप के ईमेल मार्केटिंग होते हैं। पहला है ट्रांजेक्शनल ईमेल मार्केटिंग। अब ये ट्रांजेक्शनल ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रांजेक्शनल मतलब कि आपने कोई भी एक्टिविटी किया, आपको ईमेल आ गया। ये सिंपल है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया अमेज़न पे, आपको मेल आ गया, ठीक है। आपने कोई आपने अनसब्सक्राइब किया, आपको मेल आ गया। आपने सब्सक्राइब किया, आपको मेल आ गया। आपने कहीं आपका ईमेल आईडी वगैरह शेयर किया, सब्सक्राइब किया, आपको एक वेलकम मेल आ गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ट्रांजेक्शनल ईमेल मार्केटिंग होती है। दूसरा होता है रिलेशनल और ओकेजनल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। अब ये रिलेशनल और ओकेजनल ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ये होता है जैसे नाम सजेस्ट करता है, रिलेशनल एंड ओकेजनल। अभी आपने एक फॉर्म बनाया है, आपकी वेबसाइट पे डाला है, लोग आके वहां पे सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा करते करते आपके पास 1,000, 2,000, 1,500 ईमेल्स आ गए। तो आप क्या करोगे, उन लोगों से जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया उनसे रिलेशन डेवलप करोगे। मतलब कि हर हफ्ते आप कुछ ना कुछ फ्री टिप्स, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको दोगे। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पे सेल इंफॉर्मेशन, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूएबल ऐसी कोई चीज जिससे आपको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपका जो यूजर है उसको बहुत बेनिफिट होगा। आप उस तरह के मेल्स उसको, ब्लॉग्स भेज रहे हो, टिप्स भेज रहे हो, कुछ फ्री डाउनलोड भेज रहे हो, कूपन्स भेज रहे हो, तो ये क्या हो गया, रिलेशन। आप एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, उनके बर्थडे पे आप मेल पे ऑटोमेटेड मेल भेज रहे हो, उनकी शादी की सालगिरह का अगर डेट आपके पास है तो आप उस पे भेज रहे हो। ओकेजनल मतलब कि जैसे दिवाली है, दिवाली पे आपने उनको विश भेज दिया, दशहरा है, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है, होली है, उस पे आपने भेज दिया। तो इस तरह से ये ईमेल होते हैं, इन्हें हम बल्क ईमेल्स बोलते हैं। कि आपके पास एक ब्लॉग है, जितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है, आपने ब्लॉग लिखा, उन सभी लोगों को आपने ब्लॉग भेज दिया। तो इससे क्या होगा कि लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और आपका एसईओ होगा। तो ईमेल मार्केटिंग को बहुत से लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, और बहुत से लोग एसईओ के लिए भी प्रमोट करते हैं। हम बहुत बार ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है, वो भी फ्री में मिलता है, और जैसे ही हम उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो हमें अपना ईमेल आईडी शेयर करने को बोलता है कि इस तरह के आप और भी इंफॉर्मेशन आपके मेल पे पाते रहिए, और वहां पे हम अपना ईमेल शेयर कर देते हैं, और फिर हमें हर 7 दिन में 6 दिन में 5 दिन में एक ईमेल आते रहता है। जब हम उस ईमेल को पढ़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, उनको रैंकिंग मिलता है, और उनको गूगल एडसेंस से पैसा मिलता है, प्लस उनके जो डिस्प्ले बैनर मिलते हैं, लोग मार्केटिंग जो स्पॉन्सर है उनकी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने बैनर्स लगाते हैं, वहां से भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी तरह काम करता है यूट्यूब मार्केटिंग भी। तो ये रिलेशनल ओकेजनल बल्क मेल, और लास्ट एंड थर्ड है
जो आप जिसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं वो है प्रमोशनल ईमेल मार्केटिंग। तो ये जैसे नाम सजेस्ट करता है कि आप सेल्स, जैसे 1000-2000 आपके पास ईमेल्स आ गए, आप प्रमोशनल ईमेल आप बार बार डालेंगे तो सामने वाला आपको ब्लॉक कर देगा। आप 4-5 रिलेशनल ओकेजनल ईमेल डाल दीजिए, उसके बाद एक प्रमोशनल ईमेल डाल दीजिए तो सामने वाला जरूर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा। तो ये होता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। और अभी हम चलते हैं मेलचिम की तरफ। मेलचिम हम क्यों यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं। आप कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे टूल्स है, जैसे है गेट रेस्पॉन्स करके है, गेट रेस्पॉन्स करके है, फिर अभी जो मैं आपको सिखाने जाता हूँ मेलचिम करके है, उसके बाद मैंने एक्टिव कैंपेन जो है ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत ही डिटेल में आपको सिखा चुका हूँ। देन सेंडिंग ब्लू करके है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिएगा एक्टिव कैंपेन एंड सेंडिंग ब्लू में, इसमें आपको SMS ऑटोमेशन भी है। SMS ऑटोमेशन मतलब कि 3-4 मेल के बाद आप SMS भी ऑटोमेट कर सकते हैं, SMS का कैंपेन भी डाल सकते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर, लेकिन मेलचिम्प और गेट रेस्पॉन्स वो नहीं है। बट इनके SMS काफी कॉस्टली है। मैंने देखा था एक्टिव कैंपेन के अंदर आप लगभग कितने में, ऑलमोस्ट 0.75 डॉलर में एक SMS भेज सकते हैं। तो जीरो इस समय लगभग 70 रुपया है, और 0.75 मतलब लगभग 55 रुपये में, 50 से 55 रुपये में आप एक SMS, सिर्फ एक SMS आपका जाएगा, जो कि काफी महंगा है। उसके विपरीत ईमेल फ्री है, आप फ्री में ईमेल भेज सकते हैं। तो ये चीजें है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। तो आगे हम जो चीजें सीखेंगे, हम फॉर्म बनाना, बहुत सारी चीजें हम आगे सीखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज क्या होता है कि आप पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि व्हाई पीपल विल सब्सक्राइब टू माय ईमेल लिस्ट। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना भी चाहिए कि आप ऐसा क्या दे रहे हैं, आप ऐसा आपकी वेबसाइट पे, आपने वेबसाइट को पूरा सेल्स के हिसाब से रखा है, आप डॉक्टर है, आपने डॉक्टर के हिसाब से वेबसाइट बना लिया है, आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से बना लिया है, आप ऐसा वेबसाइट पे क्या दे रहे हैं कि कोई आपके मेल को, आपको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे लोग आपके सब्सक्राइब, आपके ईमेल को सब्सक्राइब करें। तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो ऐसा होता है कि एक वेबसाइट है जो फ्री है और बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब आपके आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत वैल्यूएबल दे रहा है वेबसाइट, तो आप जाते हैं उसकी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपको कुछ चीजें एक समय फ्री दे के आपको लेना रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिजनेस ओनर के लिए एक टिप्स दे रहा हूं, ठीक है, टिप्स दे रहा हूं हाउ टू डू ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस फॉर फ्री, 10 टिप्स। इसका मैंने क्या किया है, एक मैंने लैंडिंग पेज बनाया है, एक PDF मैंने बनाया है, और पूरा इंफॉर्मेशन मैं उस PDF में डाल दिया हूं, और मैंने एक फेसबुक एड कैंपेन रन किया है। तो ये जो है ये लोगों तक जाएगा, लोग उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आएंगे, जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे वहां पे क्या होगा कि ये एड दिखेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे एक फॉर्म होगा जिसमें उनका नेम,
ईमेल आईडी और मे बी फोन नंबर, ये चीजें माना जाएगा। अगर आप ये चीजें फिलअप कीजिए काइंडली शेयर, काइंड वहां पे लिखा रहेगा काइंडली शेयर योर ईमेल आईडी, काइंडली शेयर योर ईमेल आईडी टू गेट द फ्री टिप्स। आपने देखा होगा, आप खुद बहुत बार इस तरह के फ्री चीजों में आपने आपका ईमेल आईडी शेयर कर दिया होगा। तो यहाँ पे जान लीजिए, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज फ्री नहीं है। जो चीजें फ्री है उसके पीछे कुछ ना कुछ इनसाइड हिडन स्टोरी होता है, हिडन बेनिफिट होता है। तो जैसे ही आपने नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर शेयर किया, उसके ईमेल ऑटोमेशन में आपका ईमेल चला गया और फिर आपको ऑटोमेटेड मेल आते जाएगा। और जैसे ही उसने ईमेल शेयर किया, उसको एक पॉपअप, उसको एक मेल आएगा और उस मेल में वो पीडीएफ आ जाएगा कि प्लीज डाउनलोड दिस। तो इस तरह से बेनिफिट उसको हो गया, लेकिन वो उसका जो डेटा है वो आपके ईमेल में आ गया और आपको कंटिन्यू मेल मिलते जाएगा। तो एक तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि आप कुछ टिप्स दे दिए, दूसरा है आप कुछ ऑफर्स दे दीजिए, तीसरा है आपका यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आपके ईमेल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, लोग आपके ईमेल आईडी को सब्सक्राइब क्यों करेंगे। तो उसके मैं बता रहा हूँ, पहला तो हो गया टिप्स, आप ऑफर, दूसरा कूपन्स दे दीजिए, लोग आपके कूपन्स को बाय करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी वेबसाइट पे पॉपअप रख सकते हैं, जैसे कोई आपके वेबसाइट पे आए 10 सेकंड बाद उसको एक पॉपअप दिखे और उसका ईमेल आईडी शेयर करने को बोला जाए। आप आपकी वेबसाइट पे फॉर्म्स डाल सकते हैं, आप जो फॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया पे आप फॉर्म्स डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप लोगों से उनका ये कर सकते हैं। आप यहां पे आप एक और कर सकते हैं, आप फ्री में वेबिनार रखिए, फ्री में वेबिनार, और जिन लोगों को आपके वेबिनार में पार्टिसिपेट करना है उनको आप फॉर्म फिलअप करने को बोलिए। तो ये बहुत पावरफुल है। आप इवेंट बनाइए, फेसबुक इवेंट बनाइए, आप ई बुक्स आप ऑफर कीजिए लोगों को, फ्री ई बुक। तो समथिंग आपको फ्री देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लोग ईमेल शेयर करेंगे। आप कोई भी कंसल्टेंट है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हो, तो उनमें आप बोल दीजिए कि हम आपका वेबसाइट का फ्री ऑडिट करेंगे आपके वेबसाइट का, और आपको फ्री कोड देंगे, तो इसमें भी लोग अपना ईमेल आईडी आपको शेयर कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर, प्रोफेशनल लॉयर कुछ हो तो आप एक फ्री कैंप रख सकते हैं जिसमें आप फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं, और इस कंसल्टेशन के बदले आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने को बोल सकते हैं, उनका ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, कुछ फ्यू तरीकों का मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा और आपको आपके हिसाब से आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद का क्या प्रोसेस है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाना है मेनस्ट्रीम में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। अगले वीडियो में मैं थोड़े और टिप्स दूंगा और इसके साथ में मैं आपको मेल चिम्प में फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करने का वो आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव ए गुड डे, बाय बाय।